नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चेतन पाटिल और हर संडे मैं लेकर आता हूँ आपके सवालों के जवाब जो पूछते हो आप हफ्ते भर में। आज के संडे कमेंट बॉक्स में यही कुछ होने वाला है। जैसे कि आप लोगों ने लास्ट संडे कमेंट बॉक्स देखा, वहाँ पर मैंने कमिट किया था कि अगले संडे आपके बचे कुचे सवालों के जवाब भी दिए जाएंगे। बढ़ते हैं आगे पहले सवाल पर, और पहला सवाल है राकेश वर्मा। इन्होंने लिखा है, विक्टर लेनी चाहिए कि प्लैटिना यज गियर? दोनों ही गाड़ियाँ बेहतरीन हैं, दोनों ही देसी ब्रांड है, लेकिन दोनों में कुछ चीज़ें कम हैं, कुछ चीज़ें ज़्यादा है। यानी कि किसी में कुछ चीज़ें अच्छी है तो किसी दूसरे में वो चीज़ें कम हैं। जैसे कि एग्जांपल में बताना चाहूँ तो प्लैटिना यज गियर में आपको कंफर्टेबल एबिलिटी लॉन्ग राइड के लिए बेहतरीन है, कंफर्टेबल सीटिंग पोजीशन मिल रही है, जो सस्पेंशन से बेहतरीन मिल रही है। वहीं विक्टर में आपको लॉन्ग राइड के लिए गाड़ी अच्छी ही मानी जाती है, इंजन ड्यूरेबिलिटी काफ़ी अच्छी है, लोगों का भरोसा है इस पर, ट्रस्ट है, और अपने मार्केट में इसने काफ़ी अच्छा नाम कमा करके रखा है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप इनके ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखा है, कंपैरिजन वीडियो, मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हो, जिसमें आपके सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। बढ़ते हैं आगे, और अगला सवाल है हसन असगर, और ये लिखते हैं, भाई आप अपने वीडियोस में ब्लैक बैकग्राउंड रखिए, रात में आपका वीडियोस देखने में दिक्कत होती है, आंखों को चुभता है। हसन जी, मैंने आपको आई थिंक लास्ट टाइम भी कहा था, देखो ऐसा है कि आई एम ऑन इनिशियल स्टेज, बहुत ही छोटा यूट्यूबर हूँ मैं, लोगों को एक बेहतरीन कंटेंट देके अपनी ओर आकर्षित कर रहा हूँ, अट्रैक्ट कर रहा हूँ। ऐसे में जब मैं एक छोटे से लेवल से थोड़ा सा बड़ा हो जाऊँगा, जहाँ पे इन शॉर्ट मैं अगर कहूँ कि मुझे यूट्यूब से अच्छी खासी जो होती है आय आना शुरू हो जाएगा, इनकम आना शुरू हो जाएगा। अभी भी आ रहा है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं आ रहा है जिससे कि मैं पूरा सेटअप चेंज कर सकूं। फ़िलहाल आप ऐसे ही चलाओ और ऐसे ही आपका जो है पैर बना करके रखो, ज़रूर एक दिन अपन पूरा सेटअप चेंज करेंगे। बढ़ते हैं आगे, और अगला सवाल है अजय कालोसिया। इन्होंने लिखा है, मैं शाइन एसपी ड्राइव कर रहा हूँ, हैंडलिंग में कॉन्फिडेंस 3 साल बाद तक नहीं आया। ओके, इंजन ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट 65 के बाद वाइब्रेशन होते हैं, जबकि कॉन्फिडेंस में ग्लैमर काफ़ी आगे है, और लॉन्ग ड्राइव में शाइन एसपी में कमर दुखने लगती है, ब्रेकिंग सिस्टम में तो शाइन बकवास साबित होती है, माइलेज 1 साल बाद घट जाता है। कई सारे निगेटिव पॉइंट्स शाइन एसपी के इन्होंने बताए हैं, जो कि BS4 में आती थी, 3 साल तक इनको कॉन्फिडेंस महसूस नहीं हुआ है। मैंने मेरे वीडियोस में भी कहा था कि इसका जो रियर टायर है काफी पतला दे दिया गया है, ऐसे में आप इस पर जो है कॉर्नरिंग कर नहीं सकते, बारिश के दिनों में पैनिक ब्रेकिंग की सिचुएशन अगर क्रिएट हो जाती है तो वो नहीं कर सकते, ये फिसल सकती है। अजय जी, थैंक यू वेरी मच, आपने आपका एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया, क्योंकि इस एक्सपीरियंस के बदौलत जो एसपी के बायर है उनको हेल्प जरूर हो सकती है। बढ़ते हैं आगे, और अगला सवाल है दीपक रॉय, दीपक कुमार लंबा नाम है बहुत कुछ। सर, मेरा हाइट है 4 फीट 8 इंच और मुझे पसंद है 110 cc बाइक, कौन सा लेना चाहिए? आपकी हाइट के अकॉर्डिंग HF डीलक्स एक बेस्ट ऑप्शन है, स्प्लेंडर प्लस एक बेस्ट ऑप्शन है, रिडियन छोड़ दो। तो ये दोनों जो गाड़ियां मैंने बताई वो हाइट के अकॉर्डिंग हैं, आपकी हाइट के अकॉर्डिंग आपको इन पर भी दिक्कतें आ सकती है, लेकिन आप आराम से चला लोगे, एक पैर आपका ज़मीन पर आ जाएगा, दूसरा पैर आने में थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती हैं, पर आप चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बढ़ते हैं आगे, और अगला सवाल है वकार हैदर, और वकार हैदर जी लिखते हैं, 2 दिन पहले करा था, झूठ बोले हो भाई, क्या हुआ? पैशन प्रो BS4 कब 65 या 70 का माइलेज दी? ओके, झूठ ना बोला करो वकार जी। ऐसा है कि मैं माइलेज की बात हमेशा टेंटेटिव करता हूँ, मिल सकता है। अब माइलेज हमेशा डिपेंड करता है आप लोगों की राइडिंग स्किल पर, आप किस तरह से गाड़ी चलाते हो, किस तरह से उसे रगड़ते हो, ओवर खाबड़ रास्ते हैं, अच्छे रास्ते हैं, हाईवे है, लोड लेकर चल रहे हो, कंडीशंस कैसी है, तो इन सभी चीज़ों पर माइलेज डिपेंड करता है। आपको ना मिला हो भाई, लोगों को तो मिल रहा है, क्योंकि मेरा मकसद ही है कि मैं किसी एक बंदे की ज़ुबानी भरोसा नहीं करता, 10-15-20-25 लोगों से बात करने के बाद ही यहाँ पर रिव्यू पोस्ट करता हूँ, जो कि 100% ट्रू होता है, और उसी अकॉर्डिंग मैंने माइलेज 65-70 बताया पैशन प्रो का। तो उस हिसाब से हो सकता है आपको ना मिला हो, लेकिन लोगों को तो मिल रहा है मेरे भाई, जरा मार्केट में जाओ घूमो, झूठ कहाँ बोल रहा हूँ मैं, ऐसी बातें मत करा करो। बढ़ते हैं आगे, और अगला सवाल है अब्दुल अंसारी, भाई गांव में चलाने के लिए कौन सा बाइक बेहतर है, जवाब प्लीज़। देखो ऐसा है, गाँव में चलाने के लिए स्पेसिफिक ऐसी कुछ मतलब ज़्यादा बाइक्स नहीं होती है,
मेरा कहने का ये मतलब है कि गांव में अगर चलाना है तो आप अच्छी कोई भी गाड़ी चला सकते हो, अच्छे से चलाना पड़ेगा। पल्सर भी चला सकते हो, R15 भी चला सकते हो, ऐसा कुछ नहीं होता है। बस आपको पर्पज़ क्या है आपका, आपको खेती में यूज़ करना होता है या फिर सिर्फ गाँव में घुमाना होता है या फिर तरह तरह के होते हैं। पर्टिकुलर हीरो ने ऐसी गाड़ी बनाकर रखी है जो गांव में यूज़ करे। TVS ने भी, जो देसी ब्रांड है, उन्होंने बना करके रखी है। जैसे अगर TVS की ओर से देखा जाए तो रेडियन एक बेस्ट ऑप्शन है। हीरो की ओर से आपको स्प्लेंडर प्लस या फिर आप सुपर स्प्लेंडर भी यूज़ कर सकते हो, जो खेतों में भी यूज़ की जा सकती है। लेकिन मेरा अभी भी यही कहना है कि ऐसा पर्टिकुलर कोई सेगमेंट नहीं है जो सिर्फ गाँव के लिए बना है। आप प्लैटिना भी चला सकते हो गाँव में, आप R15 जैसे मैंने कहा वो भी चला सकते हो गाँव में। चलाने के ऊपर डिपेंड करता है, और मेन होता है पर्पज़, आपका उद्देश्य क्या है उस गाड़ी को खरीदने का। आपका जवाब मिल गया होगा। बढ़ते हैं आगे, और अगला सवाल है तुषार जोशी। सर मुझे एक बाइक लेना है, TVS की 110 सीसी की, कौन कौन से लूँ, स्टार सिटी या रेडियन जो लॉन्ग टाइम ले, प्लीज़ सर रिप्लाई करें। जोशी जी, आपने इतनी बड़ी रिक्वेस्ट करी है तो डेफिनेटली आपका जवाब तो, सवालों का जवाब तो देना काम बनता ही है मेरा। मेरे हिसाब से TVS रेडियन एक बेस्ट ऑप्शन है, जो लॉन्ग राइड भी अच्छी कर दे और आपको ख़राब रास्तों पर भी चले, ओबड़ खाबड़ रास्तों पर भी चले, क्योंकि इसी को बनाया ही उसी हिसाब से। दोनों की टेस्ट राइड लेकर आप खुद डिसाइड कर सकते हो कौन सी लेनी है। पर्सनल अगर मेरे ओपिनियन की मैं बात करूँ तो मेरे हिसाब से TVS रेडियन बेस्ट ऑप्शन है। बढ़ते हैं आगे, अगला सवाल है अर्जुन कुमार यादव, और यादव जी लिखते हैं, एक हफ्ते पहले मैं SP में कॉरिंग मैं गिरा हूँ भाई, 30-35 के स्पीड में पैर में चोटें आई और गाड़ी स्क्रैच आई है मैं भाई, क्या मैं उस व्हील में 90/118 का टायर लगा सकता हूँ, प्लीज़ रिप्लाई भाई। रिप्लाई तो मैं कर ही रहा हूँ मेरे भाई, लेकिन कमेंट लिखते टाइम थोड़ा सब्र करा करो, मुझे पढ़ना तो आना चाहिए। कुछ अक्षर ऐसे हैं जो कुछ और ही वर्ड सुन के निकल के आ रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम से आप थोड़ा सा सब्र करा करो, मैं कहीं भागे नहीं जा रहा, मैं यहीं पे हूँ। यादव जी देखो, ये सवाल आपका नहीं है, ये कई सारे मेरे व्यूवर्स का भी है कि भाई रियर टायर चेंज कर सकते क्या SP का, और इसका जवाब आई थिंक मैंने मेरे पिछले संडे कमेंट बॉक्स में, पिछले संडे कमेंट बॉक्स में दिया था। जवाब यह है कि देखो, आप कर तो सकते हो, इसमें कोई दोहराया नहीं है, लेकिन इसका लोड इंजन पर आएगा, सीधा सीधा माइलेज पर आएगा, सीधा सीधा आपका जो है चेन्स पॉकेट पर आएगा। कई तरह के प्रॉब्लम आपको हो सकते हैं, क्योंकि गाड़ी बनाते टाइम उन्होंने उस हिसाब से बनाया है जो कि आपको टायर जो है मैच हो सके, यानी कि सारी चीज़ें कंफर्टेबल ट्राइड एंड टेस्टेड उस पर्टिकुलर अभी जो गाड़ी मिल रही है SP उसमें लगाई गई है। उसमें आप मॉडिफिकेशन करने जाओगे तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी तो रह ही जाएगी, जैसे माइलेज कम मिलेगा आपको, गाड़ी का चेन्स पॉकेट खराब हो सकता है, उसके बाद इंजन पर लोड पड़ेगा। होंडा का इंजन जिन चीज़ों के लिए जाना जाता है, जैसे रिलायबल इंजन माने जाते हैं, तो वो वाली चीज़ ख़त्म हो जाएगी और वो वारंटी से भी बाहर निकल जाएगा, इंजन में खरखराहट सी महसूस होने लग जाएगी। होंडा की गाड़ी जितना अच्छा यूज़ करो उतना ही बेहतर है, अदरवाइज माइलेज बहुत ज़्यादा गिर जाएगा आपका, तो मेरे हिसाब से आप ये ना ही करो तो बेहतर है। बढ़ते हैं आगे, अगली कमेंट है चिन्ना आइया श्री केला, खतरनाक नाम है, ये लिखते हैं एग्रीकल्चर यूजिंग के लिए कौन सी अच्छी, प्लीज टेल मी। एक सुपर स्प्लेंडर आप ले सकते हो, TVS रेडियन ले सकते हो, स्प्लेंडर प्लस ले सकते हो, HF डिलक्स कुछ हद तक इसे अगर चाहो तो ले सकते हो, अदरवाइज छोड़ सकते हो। बढ़ते हैं आगे, और अगला सवाल है सचिन पाटिल, और मराठी बंदा है, इन्होंने मराठी में ही लिखा है, मैं आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके दिखा दूंगा। इन्होंने लिखा है, भाऊ शोरूम और जाऊन वीडियो बनवत जा, आणि तू स्वतः बाइक चालवून बिल्ड क्वालिटी माइलेज कम्फर्ट गाड़ी कशी आहे हे लोकांना दाखवत जा, लोकांना लेक्चरपेक्षा प्रैक्टिकल बघितलेलं जास्त आवडतं। सचिन जी, आपका सजेशन जो है सर आँखों पर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस तरह का जो है सजेशन मुझे दिया। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपको अभी भी नहीं पता चला कि इस चैनल का मेन पर्पज़ क्या है, मेन मोटो क्या है। मुझे एक बात का जवाब आप दीजिए कि आपको किसी एक बंदे का ओपिनियन पसंद है, या फिर मार्केट में उसी पर्टिकुलर गाड़ी को यूज़ कर रहे 10-15 बंदों का ओपिनियन पसंद है। देखो ऐसा है कि मार्केट में मैं कई सारे लोगों से मिलता हूँ,
रैंडमली मिलता हूँ, चलते चलते मिलता हूँ, जहां पर भी खड़ा हूँ वहां पर पे अगर कोई गाड़ी वाला आ जाता है, बात कर लेता हूँ, भाई कैसी है, कैसा है। मेरे घर वाले भी परेशान हो जाते हैं, अरे किसी से भी बात करने लग जाता है, हाँ किसी से भी बात करने लग जाता हूँ। बाद में पूछता हूँ उनको, कब तक कितना किलोमीटर चलाया, कैसे लगे चलाने में, बिल्ड क्वालिटी कैसी है, क्या प्रॉब्लम आया, कितना खर्चा आया, सीटिंग क्वालिटी कैसी है, हैंडलिंग कैसी है, हेडलाइट कैसा है, तरह तरह की बातें भाई, तरह तरह की बातें। और वही पॉइंट्स मैं माइंड में रखता हूँ, मेरे मोबाइल में ही नोट पैड है, वहाँ पर लिख लेता हूँ, सबके मोबाइल में होता है, मेरे यहाँ भी है, मैं लिख लेता हूँ और फिर उन्हीं की एक समरी बनाता हूँ, घर आकर नोट डाउन करता हूँ और फिर वही चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। तो ये आपके लिए बेटर है या फिर आप शोरूम पर जाकर किसी एक बंदे ने उसके आसपास घुमा करके, गाड़ी के आसपास घुमा करके, टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस रटा करके, हेडलाइट यहाँ मिल जाता है, उसके बाद आपको ये क्रोम स्ट्रिप मिल जाती है, इसके बाद यहाँ पर नई स्टिकरिंग दी गई है, उसके बाद यहाँ पर कुछ नया कलर एलिमेंट दिया गया है, ये बातें पसंद है या फिर रियल लाइफ एक्सपीरियंस पसंद है, आप खुद बताओ। चैनल आप लोगों के लिए है, आप लोगों के लिए ही है, तो यहाँ पर जैसा आप लोग कहोगे वैसा मैं दूंगा। तो आप इन दोनों में से कोई भी एक चॉइस मेरे को बताओ, अगर ऐसा है तो ठीक है, शोरूम पर जाकर सिर्फ टेक्निकल स्पेसिफिकेशन रटा करके, मेरा काम ईजी करके मैं आपके लिए वीडियो बनाया करूँगा, और अगर ऐसा नहीं है तो जो मैं कर रहा हूँ वो बेहतर है, बस कमेंट में यस या फिर नो करके मुझे बताना। मेरे हिसाब से मैं जो कर रहा हूँ अभी फिलहाल वो बेस्ट है, और हाँ बेस्ट है, आप पूरे यूट्यूब पर जाकर ऐसा कंटेंट ढूंढ कर दिखाओ मुझे जो सिर्फ रियल लाइफ एक्सपीरियंस का जो है मुआयना देता है। खैर, तरह तरह के माइंडसेट है, तरह तरह के लोग हैं, तरह तरह के विचार है, और सचिन पाटिल जी, होप आपका आंसर मुझे लगता है आप बिना बुरा माने इस चीज़ को एक्सेप्ट करोगे, क्योंकि आप मेरे व्यूअर हो, सब्सक्राइबर हो, मैं नहीं चाहता मेरा किसी सब्सक्राइबर्स मुझसे नाराज़ हो। अगर आप लोग चाहते हो कि आपके कार और बाइक से रिलेटेड सभी सवालों के जवाब एक ही चैनल पर अवेलेबल हो जाए, तो ये चैनल सिर्फ आपके लिए है, इसे सब्सक्राइब करना ना भूले। और हाँ, एक और मेहरबानी, इस वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सअप पर, ट्विटर पर, जहाँ जहाँ हो सकता ज़रूर शेयर करें, क्योंकि थोड़ा मुझे भी अच्छा लगेगा। वही अगर आपकी गाड़ी के लिए ट्राइड एंड टेस्टेड इंजन ऑयल ढूंढ रहे हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, आप उस लिंक पर, यानी कि आपके गाड़ी के नाम के सामने जो भी लिंक आ रही है वहाँ पर क्लिक करके आप उसे बाय कर सकते हो। दूसरी चीज़, अगर कुछ इमरजेंसी है, अर्जेंट आपके सवाल है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इंस्टा और ट्विटर की भी लिंक दे रखी है, वहाँ पर भी आप मुझे आपके सवाल पूछ सकते हो, जहाँ पर 24 आवर्स के अंदर आपको आपका जवाब मिल जाएगा। तो फिर से मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।